We'd like to felicitate you. Can I please request the producer of the film, the very dynamic Miss Manju Bharti and Mukesh J. Bharti to felicitate Bappi Das sir towards the beginning. Ma'am, can I request you? Can we request you to kindly present the bouquet to Bappi Das sir? सर हमें इतनी खुशी हो रही है सर 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 ये आपके गोल्डन शब्द है तो प्लीज माइक पे कहिए ना सर मैंने तो सुन लिया पर मैं चाहूंगी कि सारे सुने सबको नमस्कार गुड इवनिंग मौसम इकरार के दो पल प्यार के आज मैं हालत मेरा इतना खराब है लॉस एंजल्स से लंदन होके आया इतना कल ही मैं प्रॉमिस किया था मंजू को आई एम आई बी देयर थोड़ा सा लग भी गया कमर में तो उठना चलना मुश्किल लेकिन आज जो आपने शुरुआत किया मेरा गले में गणपति बाबा है इससे बड़ी स्टार्ट होगा नहीं होता नहीं मैं बहुत बड़े बड़े फंक्शन में जा चुका हूँ इनका आशीर्वाद एक बार हो गया ना आपका बस मेरा हिसाब से मुकेश यू आर वेरी गुड स्टार इज बॉर्न थैंक यू दादा मुकेश भारती अच्छा काम किया बहुत और फैंटास्टिक मैं गाना देखा सब और बैठे हैं कैप्टन ऑफ द टीम पार्थोदा पार्थो घोष साहब जोरदार तालियां दीजिए पार्थो घोष जी के लिए क्यों देखिए कैप्टन ऑफ द टीम पार्थो घोष ही है क्यों मैं आज शायद ये हमारा चौथा पिक्चर है ना साथ में फोर्थ फिल्म्स गीत अविनाश जी बैठे हैं गीत आना अविनाश आजा तो फिर से अरुण बख्शी जी मेरा छोटा भाई आओ आओ आप लोग ही तो सब चार चांद लगाते हैं भाई कितना अच्छा गाना आपने पिक्चराइज किया और ब्रिजेश बहुत उभरते हुए सिंगर है जो हमारा एक पंजाबी फोक सॉन्ग गाया है पिक्चर में अमृता फडणवीस एंड ब्रिजेश ने और मैं एक बात कहना चाहता हूँ ब्रिजेश का वॉइस भी बहुत अच्छा है मैं अभी नया एक और एक पिक्चर आ रहा है इसके बाद पूरा गाना उन्होंने गाया एनीवे मेरा हिसाब से जो आज का स्टार्ट देख के मेरे मन भर गया बस उनका कृपा बस उनका आशीर्वाद गणपति बाबा जय गणपति बाबा जय गणपति बाबा थैंक यू वेरी मच सर मैम कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू फेलिसिटेट सर कैन वी प्लीज हैव श्री के पी रघुवंशी जी ऑन द स्टेज प्लीज फॉर द अनवीलिंग एंड मैम कैन वी प्लीज रिक्वेस्ट यू टू बी विद अस हियर वंस अगेन आई डिड ऑल्सो रिक्वेस्ट दीपू जी टू बी विद अस हियर एंड द एंटायर कास्ट दीपक जी भी मैंने देखा था यहाँ पर यस सर प्लीज कैन वी हैव यू कैन आई हैव द एंटायर कास्ट एंड क्रू of the film Mausam Ikrar Ke Do Pal Pyar Ke thank you deepak sir thank you sir thank you ma'am can I hold that for you sir over to you main ek hi baat kehna chahta hu mera records kafi hai year 87 33 films in one year release aur aajkal main साल में दो तीन पिक्चर करता हूँ लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ दो पल प्यार के जो पिक्चर है इसमें पार्थोदा का साथ मेरा पहले भी सुपर हिट हो चुका दलाल का गाना सुपर हिट अभी भी सब लोग गुटुर गुटुर करते हैं गीत का भी बैठे हैं अविनाश सुपर हिट हुआ जो दीदी का गाना था लता जी का गाना प्रेम पत्र आया और गाना लिखा है ये पिक्चर में दीपक जी बहुत अच्छा गाना लिखा आपने एक्सेलेंट सॉन्ग एंड मंजू आई थिंक मैं एक लाइन आपको सामने सुनाना चाहता हूँ ये पिक्चर का कागज देना भानु अरुण सर मैं एक देखिए मेरा गाना साल में जब भी मैं गाते रहता हूँ चाहे उलाला हो चाहे तूने मारी एंट्री हो
भगवान का कृपा से पब्लिक को बहुत पसंद आता है। ये गाना मैं आप लोग को सामने आज बहुत खुशी के दिन है, जो आज क्या बोलो दोपल प्यार के का कैसेट आज रिलीज हो रहा है। पार्टी टू नाइट, वोल्टेज की हाइट, मस्ती में बेब्स लेफ्ट हो या राइट, पार्टी शाम को ये शुरू और सुबह होगा शाम, अरे पार्टी शाम को ये शुरू सुबह चे बचे खत्म, पार्टी दम दम दम, पार्टी दम दम दम, आप लगाइए कृपा से, पार्टी दम 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 गाओ, दम 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 से पार्टी दम दम दम, अरे पार्टी दम दम दम, दो पल प्यार के क्या बात है, थैंक यू, क्या बात है। एसके अग्रवाल सर, कैन वी प्लीज हैव यू हियर, और अब अनवीलिंग होने जा रहा है, वन सेकेंड, आई लाइक टू इनवाइट अशोक सर, अशोक की सर, कैन वी प्लीज हैव यू हियर, मंजू जी के डैड हैं सर। वैसे अलग होता है, वैसे हमेशा बड़े लोग अपने बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन आजकल का जमाना देखिए, इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, सो कैन वी प्लीज हैव श्री अशोक सर, हु इज अ प्राउड फादर टुडे, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मिस्टर अशोक, और इस ब्यूटीफुल मौके पर हम जरूर चाहेंगे कि आप यहाँ हमारे साथ रहिए मंच पर। Alright, ladies and gentlemen, the unveiling. Let's have the countdown of five for the unveiling of the musical sensational film Mausam Iqrar Ke Do Pal Pyar Ke. So here we go. I'll hold the mic. Play the beat only. Bajaiye, bajaiye. Bajaiye, bajaiye. Musical, musical picture hai. Do pal pyar ke. प्यार के दो पल, प्यार के प्यार के थैंक यू मंजू जी, क्या बात है सर, मजा आ गया। ऑलराइट पीपल, वी विल हैव द काउंटडाउन ऑफ फाइव फॉर द अनवीलिंग, प्लीज जॉइन मी, फाइव फोर थ्री two, one, hearty congratulations, the unveiling of the musical sensational film, Mausam Iqrar Ke Do Pal Pyar Ke, hearty congratulations to Vivek Films Production House, Manju Bharti Ji, aapko bahut bahut badhai ho, and congratulations to the superstar already, Mukesh J. Bharti. We once again thank our dignitaries. Thank you very much, Sri Bakpida, for doing the honors. We are super delighted by your humble presence. We did also love to thank our dignitary, Sri K.P. Raghuvanshi Ji and his lovely wife, and the entire cast and crew, everyone in the house. Can I request you all to cheer for them, to please dance together for the unveiling of the film. Unveiling of the film's music this evening. So we're gonna actually take a look at the music as well. The film to be released. Dum dum dum, bajao. Party. Dum dum dum. Party. Dum dum dum. Kya baat hai? Good luck, good luck, good luck, Manju, good luck. Oh wow. Can we please have a good photo of in a straight line, a photo of for the press and media? मैं चाहूँगी आप सब straight line में आइए. Sir, party song लगाइए ना, हमें सिर्फ हमारे इस गाने चाहिए, सिर्फ party song बस. Can we please have everyone in a straight line for a photo op, please? In a straight line, please, for a photo op, a good photo op. Thank you very much. Ladies and gentlemen, here we have the cast and crew of Mausam Iqrar Ke Do Pal Pyar Ke. पार्टी टू नाइट, वोल्टेज की हाइट, मस्ती में बेब्स लेफ्ट हो या राइट, पार्टी शाम को ये शुरू सुबह छह बजे खत्म, शाम को ये शुरू सुबह छह बजे खत्म, पार्टी दम दम दम, पार्टी दम दम दम, पार्टी.
and cast and crew, and we request you kindly take your seats. Thank you very much to each and every one of you. Yes, we will have the photo op with the cast and crew. आप लोग के साथ सब कुछ है भाई, प्रेस वाले अगर नहीं होता तो कुछ नहीं होता. मीडिया इज द बेस्ट. अभी पार्टी चलेगा सब जगह. आया हूँ सिमरन प्लीज. वेरी गुड सॉन्ग. थैंक यू. स्वीट स्वीट आफ्टर लॉन्ग टाइम तेरा मेलोडी. मुकेश जी आओ. मैं देखिए बहुत ही आज टायर्ड हूँ, लेकिन ये गाना सुन के और ये गणपति वंदना ऐसे एक वाइब्रेशन हुआ, टायर्डनेस चला गया. और मैं बोलते रहता हूँ, मैं अमेरिका में भी बोल के आया दो पल प्यार के म्यूजिक आप सुनिए यार. जब पहला गाना आया पार्टी दम दमा दम, पार्टी दम दमा दम, सबको पसंद आया. तो मेरा हिसाब से मुकेश का काम बहुत अच्छा हुआ. मंजू भारती जी बहुत सिंसियर प्रोड्यूसर है. मैं तो देखिए 48 ईयर्स हो गया मेरा काम कर रहा हूँ, 650 का ऊपर पिक्चर किया कर रहा हूँ. लेकिन ये पिक्चर में पता नहीं एक वाइब्रेशन हुआ, ये म्यूजिक सुपर हिट होगा. और ये जो सब्जेक्ट है मेनली पार्थो घोष डायरेक्टर, द ब्रिलियंट डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द टीम. तो पार्थो दा का साथ मेरा बहुत बड़ा बड़ा हिट है, दलाल है, गीत है, अभी दो पल प्यार के, बंगाली में भी रहमत अली था, मिथुन चक्रवर्ती था उसमें. तो दो पल प्यार के जो है बहुत दिन बाद एक म्यूजिक करके मज़ा आया, जो होता ना एक संगीत करके मज़ा आया. आई डोंट नो कुछ है ऊपर वाला का आशीर्वाद है. और आज मैं एक बहुत मिस कर रहा हूँ, माय सन बाप्पा लहरी. ही हैज़ डन एक्सट्रीमली और गुड ऑर्केस्ट्रेशन, फुल सॉन्ग, जितना भी गाना आपने सुन रहे हैं 5 गाना. तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बाप्पा को. बाप्पा ही इज़ इन लॉस एंजल्स, इसका कुछ काम चल रहा है हॉलीवुड का प्रोडक्शन में. तो एनीवे मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ मंजू जी, बहुत अच्छा पिक्चर बनाया आपने. अब मुकेश मैं गाना देखा अभी, एवरी सॉन्ग सर ब्यूटीफुली पिक्चर आई. दादा ने जो है इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे गाने जो है दिए हैं कि वो सदाबहार गाने हैं दादा, जो लोग जो है कभी भी नहीं भूल पाएंगे. और इसी तरीके का ये इस फिल्म में गाने दिए दादा आपने. हर गाने का एक अलग ही अंदाज है, चाहे वो पार्टी दम दमा दम हो, चाहे अरमान मलिक का जो दादा तेरे बिना. हाँ, तेरे बिना देखो जो गाना बाबुल ने गाया, बाबुल सुब्बा, बाबुल सुब्बा सर, अल्लाह 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 तुही तो तुही तो, बहुत दिल का करीब का गाना है. और इतना अच्छा लगता है गाना सुन के. अरुण बख्शी भी बहुत अच्छा पिक्चर है. अरुण बख्शी जी के ऊपर पिक्चराइज हुआ ये गाना, वेरी नाइस, बहुत अच्छा उन्होंने एक्टिंग की है. एक्सीलेंट. अमृता फडणवीस जी को हाउ डिड यू कैन है अमृता फडणवीस जो देखिए एक अंतरा गाना गा के गई, पंजाबी फोक, ब्रिजेश आया था आदमी, ब्रिजेश एंड अमृता जी, बहुत अच्छा. मैं बोला उनको, मैं बोला आपको पूछा जो एक अंतरा मैं गाऊँ, मैंने कुछ अलग टाइप का है. बहुत अच्छा गाया दादा, बहुत अच्छी गाई, बहुत अच्छी गाई अमृता जी. एक पंजाबी लैंग्वेज में गाना गाया तो बहुत सुपर, मतलब वेरी नाइस, वेरी नाइस. मंजू जी आपसे कुछ जानना चाहेंगे, एक्चुअली एक टीम को, एंटायर टीम को, बकीदा सच अ लेजेंड, एक्चुअली एंटायर बहुत अच्छी चीज बनी है इनफैक्ट, क्या कहोगे ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. जैसे कि मैंने सुना था कि न्यू प्रोड्यूसर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट जैसे ही दादा ऑन बोर्ड आए फिल्म में, और आई एम रियली लकीस्ट कि दादा ने इसका म्यूज़िक बहुत ही वेरिएशन वाला दिया है, और बहुत दिल से दादा का अटैचमेंट है हम लोगों के साथ, फिल्म के साथ.
सो बस मेरी जर्नी बहुत स्मूथ हो गई क्योंकि एक इस तरीके की सपोर्ट मेरे साथ थी कि मैं कोई भी गलत कदम उठाने से पहले दादा से मैं पूछती थी और दादा ने हर स्टेप पे मुझे गाइड किया. सो आई फील कि अगर दादा नहीं होते तो शायद ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती. तो माय जर्नी इज डेडिकेटेड टू दादा. हां बर्थडे दादा भी है. राइट और लेफ्ट दोनों ही स्ट्रांग था दादा. दोनों ही बंगाली है. दुर्गा पूजा का अवसर भी है. इनफैक्ट आज बहुत अच्छा दिन है. नवरात्रि माँ का दिन है. माता जी जय माता जी. वैसे उनका मैं अभी होटल में जब आ रहे थे मैं अभी बोला मुकेश जी इतना अच्छा दिन में फंक्शन है. बस मैं चाहता हूँ उनका कृपा और आज गणपति वंदना जो हुआ सब उनका आशीर्वाद. बस मैं तो बहुत मानता हूँ. और इसमें जो सूफियाना गाना है अल्लाह अल्लाह तू ही तू तू ही बहुत प्यारा सॉन्ग. आउटस्टैंडिंग बाबुल सुप्रियो ने गाना गाया. शान भी बहुत अच्छा गाया. टाइटल सॉन्ग पलक के साथ पलक मुचर बहुत अच्छे गाया. तो दादा जिस तरीके से आपने जो कंपोजिंग की है गाने की ना वो अलग हटके की है कि जो जिस तरीके से जो सिंगर ने दादा गाना गाया और उससे कहीं ज़्यादा आपने कंपोजिंग कितनी प्यारी की है दादा. वो गाने का मतलब हो जाता है दादा. संगीत देखो गाना तो हर पिक्चर में होता है लेकिन कोई कोई गाना बन जाते हैं. बस उनका ईश्वर के पास. मुकेश जी का मी टू का मूवमेंट बहुत नहीं अभी आज नहीं आज इतना खुशी के दिन है. बहुत अच्छा. मैं तो था ही नहीं. मैं तो अभी आज लैंड किया. आज आज नहीं. मौसम इकरार के दो पल प्यार के बस वो अलग बस बात करेंगे. लेकिन आपने हमेशा महिलाओं को उकसाया और एक अवेयरनेस की बात करी है तो क्या कहेंगे ये जो जिस तरह से ये हक के लिए रहा है और जिस तरह से बॉलीवुड के हालात हैं. आप बड़े बड़े लोगों ने इस बारे में बात की. आप क्या कहेंगे पर्सनली पूरी जो केसेस से आपने पढ़ा होगा इस बारे में. नाम भी सुना होगा ये बॉलीवुड का बात नहीं हो रहा है. ये हॉलीवुड से मैं अभी आया. जी जी हॉलीवुड का जो सबसे बड़ा जो एक्ट्रेस है वो मेरा जान पहचान. मैं नाम नहीं बताऊँगी. उन्होंने भी किया. उन्होंने शुरू किया मी टू का. लेकिन क्या है इंडिया में जो अभी जो चल रहे हैं. मैं आने के बाद सुना एक दो स्लॉट देखा मैंने. देखिए पुराने चीज को लेकर जो हो रहा है जब हुआ था उस टाइम क्यों नहीं आप लोग गया. मैं एक पॉइंट है. जब हुआ था तो FIR क्यों नहीं किया. आपको कंप्लेन क्यों नहीं की. उसके लिए हमको थोड़ा झिझक होता है. एज पर यू नो होना नहीं चाहिए था. लेकिन सब लोग अच्छे हैं. ऐसा नहीं मैं किसी को बुराई नहीं करता हूँ. देखिए फिल्म लाइन है. हम लोग को रोटी दे रहे हैं. आप लोग आते हैं. पूरा हमारा परिवार है मीडिया. तो ये जो चीज़ है जो अभी एक के बाद एक जो न्यूज़ आ रहा है. लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा ये सब चीज़ पहले आना चाहिए था. अभी आज दो पल प्यार के का हो रहा है. 10 साल का बाद बोल के कोई फ़ायदा नहीं है. ये हम लोग बैठ के इंटरव्यू किया था. आई डोंट नो. मेरा हिसाब से मैं तो था ही नहीं. मैं तो इतना न्यूज़ देखा नहीं. लेकिन जो जो मैं देखा ट्विटर में देखा. लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जो भी है आज देखिए नारी जो है इंडिया में एक ही चीज़ है. नारी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. माँ है बहन है बेटी है. तो हम लोग तो करते ही हैं. हम तो आधा साल अमेरिका में रहते हैं आता हैं देखते रहते हैं. अपना कल्चर का तो कोई जवाब ही नहीं है. ऐसा कल्चर की तरह कोई देश में नहीं है. लेकिन हाँ जो हुआ है वो घटना पहला होने से पहले अगर आप करते थे उसका ज़्यादा अच्छा होता था. अभी पता नहीं किसी को लेके आपका नाम है आप बोल दिया न्यूज़ में मेरा साथ ऐसा हुआ. लेकिन आई डोंट नो क्या क्या चल रहा है ये बारे में. मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना मेरा कुछ मालूम नहीं है. बट
बट दादा डू यू थिंक नाम लेना विदाउट एनी प्रूफ बड़े बड़े लोगों का, लेजेंडरी एक्टरों का या किसी का भी ऐसा नाम लेना बहुत गलत बात है? डेफिनेटली गलत बात है। प्रूफ अगर नहीं हो, अगर प्रूफ नहीं है, सावधान इंडिया, आप लोग देखते हैं फोटो ले लेते हैं, कैमरा शूट करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, इट इज़ डिफरेंट स्टोरी। बट ये अचानक इतना सालों का बाद ऐसा शुरू, और सब बड़े बड़े लोग हैं इंडस्ट्री का, सब दिग्गज लोग नहीं। अभी देखिए मेरा 48 इयर्स हो गया, मेरा जो जानकारी है किसी का नहीं है। मैं गाना, किशोर कुमार जी मेरे मामा जी थे, मोहम्मद रफ़ी साहब ग्रेट सिंगर, उनसे ज़्यादा सिंगर है ही नहीं, होगा भी नहीं। लता मंगेशकर जी तो माँ सरस्वती है, आशा भोसले जी उससे शुरू किया, मुकेश जी, मन्ना दे जी, इतना बड़े बड़े सिंगर के साथ मैंने काम किया, करते करते जो आज मैं जो सब काम कर रहा है, ये दो पल प्यार के का जो सिंगर्स, सबको मैं अच्छे से प्यार करता हूँ। मेरा अंदर एक ही है, मैं नए लोग को मैं बहुत इनकरेज करता हूँ। जब डिस्को डांसर बनाया था तो ऐसी पार्वती खान, सलमा का कसम पैदा करने, उनका गाना देखो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ले लिया हॉलीवुड में, तो मैं नए लोग को बहुत चांस दिया, उन लोग से बड़े हो गया, अलीशा चिनार बिग सिंगर। तो एक काम करके जो इनकरेजमेंट करना, लेकिन आजकल क्या हो गया, जो ये जो मुद्दा है, मेरे हिसाब से मेरा हमको कुछ ही नहीं हो रहा है, क्यों यू नो, मैं भी तो पुराने लोग है, सब देख चुका हूँ। अभी मैं आगे बोलूँगा, अभी मी टू में इतना इतना नाम है। अभी खाली दो पल प्यार के, बस और कुछ नहीं, दो पल प्यार के, प्यार करो बस।